एक बार फिर करदा हाँ जी, आप सब का हार्दिक स्वागत अज्ज दे इस रिलीजियस सैगमेंट विच। पिछले कुछ हफ्तों तो असीं तुहाडे नाल हर हफ्ते गलबात कर रहे हैं कि गुरु साहब का जो सिद्धांत है मूल मंत्र विच ओह की है। इस नूं समझना बहुत जरूरी है, जेकर असीं इस कॉन्सैप्ट नूं नहीं समझते तो सानूं गुरु ग्रंथ साहिब विच जो गुरु साहब उपदेश कर रहे हैं शायद वह समझ ना आए। इस करके असीं बहुत धन्नवादी हाँ ज्ञानी स्वरण सिंह जी दे, जिहड़े कि अपना कीमती समा कढ़ के साडे कोल इत्थे आउंदे ने ते तुहाडे नाल गलबात करदे ने ते दस रहे ने कि गुरु साहब का की सिद्धांत है मूल मंत्र विच। पिछले हफ्ते असीं निरवैर अते निरभउ दी जिहड़ी गल कीती सी, अज आओ अकाल मूर्त के बारे जो गुरु साहब गल कर रहे ने मूल मंत्र विच ये की है। सानूं पता तो है अकाल मूर्त असीं रोज़ पढ़ते हाँ, पर की उस सिद्धांत नूं असीं अपने जीवन विच भी लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आओ भाई साहिब जी तो जानकारी लैने। जी आनू जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सो अकाल मूर्त जदों असीं कहने जी पढ़ते हैं हर रोज़, ये की गुरु साहब सानूं कह रहे हैं जी? सब तो पहला तो सानूं मनुखां नूं समझना चाहिए कि काल की हुंदा जी। काल नूं समझण वास्ते सानूं साइंटिफिकली सोचना पएगा कि जिहड़ी सृष्टि की सारी रचना है जी, जो कुछ सानूं दिस रहा ये सारे का सारा टाइम एंड स्पेस के अंदर। ठीक, जोड़ी चीज़ पैदा होंदी है वह टाइम ना होंदी है और उस घेरा लेती हैगी और वह जी टाइम ना पैदा होंदी है वह टाइम ना वधदी है टाइम ना मुक जाती है जी, उन्हों कहते काल। और काल दे विच पाव के जो टाइम हैगा वक्त समा, इस समय नू रचना जिहड़ी है जो रची हुई है इस समय दे मुताबक इसकी रचना दा हिस्ट्री जी, इहदा इतिहास, इसकी बणतर लोग वर्णन करते हैं। ठीक, और जो चीज़ बनी हुई है जो दिसदी है ये सारी दी सारी एक दिन बनी सी, एक दिन वधदी है, एक दिन मुक जाती। बिल्कुल जी, कि जो दिसे सो चालनहार जी, लपट रहे होते अंध अंधार। असी वेखना है कि इस तो अगे कोई ऐसी चीज़ है जिहड़ी कि काल तो परे हो, बिजाउंड द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस जी। हुण जिहड़ी बिजाउंड द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस वो एक महान शक्ति होएगी जिहड़ी कि इस चीज़ नूं पैदा करती है। ठीक, हुण वेखना है कि जे रब नूं असीं मनना जी, हर दुनिया के मनुख नूं मनना चाहिए, उन्हों चाहिए कि उस शक्ति नूं मन्ने जिहड़ी कि इस समय तो और इस स्पेस तो परे हो। बिल्कुल, उसनों गुरु नानक देव जी ने आख्या कि जिहड़ा रब मनुख का है, इंसान का अकाल पुरख वाहिगुरु जो है जी, वो है अकाल बिजाउंड द लिमिट ऑफ द टाइम एंड स्पेस। राइट, हुण देखना यह है कि जे असी रब अकाल नूं मनते हैं तो असी उसके ही अंश हाँ। बिल्कुल, तो कि मनुख जिहड़ा इंसान जिहड़ा है वह भी वो अकाल है। हुण उन्हों समझण वास्ते आपां नूं सोचना पएगा कि साडी जिहड़ी साडी बॉडी जिहड़ी है ये पंज तत्ती बनी हुई जे पदार्थां विचों बनी है और ये पदार्थ पंजे तत्त जिहड़े ने साडे धर साडे शरीर दे ये सारे जिहड़े सारे नाशवान जी। हुण इस तों अगे किहड़ी चीज़ आ इस जिहड़ी इस सारी मशीनरी नूं चलाउंदी आ, हुण वह चलाउण वाली जिहड़ी शक्ति है जोत है आत्मा है वह सही मनिया च परमात्मा का ही एक हिस्सा है। ठीक, हुण जे अकाल पुरख वाहिगुरु अकाल है बिजाउंड द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस जी, तो सानूं ये समझना चाहिए कि तेरी होंद जिहड़ी आ आत्मा तो शुरू हुई वह भी समय अते स्पेस तो परे है। ठीक, तो इहदा भाव है कि जे सिख दे मनुख रब अकाल की पूजा करे जी तो वह अपने आप को समझ लग पेगा कि मैं भी उस अकाल की बनतर विचों अकाल हाँ। ठीक, तो वह भी फिर उस काल तो डरेगा नहीं। बिल्कुल, और समझेगा कि जिहड़ी मेरे अंदर आत्मा आ वो काल रहत है। ठीक, और वो कदी मरेगी नहीं और उन्हें कोई मार नहीं सकेगा। बिल्कुल ज्ञानी जी, यही जेकर पता लग जाए इस कॉन्सैप्ट का सानू समझ आ जाए तो फिर असी आज जो लोगों को पूजते हाँ ये कॉन्सैप्ट तो भी असी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आज असी देख रहे हैं कि जिते सानू असी हर रोज़ बाणी पढ़ते रहे अकाल मूर्त, लेकिन असी तो आज फस गए लोगों के जोड़े लोग जिन्होंने एक मैसेज पहुँचाना सी अगे सानू जोड़ना सी। पहली गल तो सानू कोई मिडलमैन की तो लोड़ ही नहीं, गुरु साहब ने तो सानू सीधा गुरु उस अकाल पुरख नाल जोड़िया सी, पर अज असी वो जिहड़े मिडलमैन विच आ गए जिहड़े कि अपने आप नू ही रब अखवा के लोगों तो पुजवा रहे हैं तो इस तो भी असं बच जावे। वेखो एक सीधी गल है जी, मिडलमैन की मतलब आम लोगों की साधारण गल मैं दसा, जिस दिन मैं माँ की कुख में सी जी उस वेले मेरा कनैक्शन माँ ना भी है नहीं सी। ठीक,
मेरा कनेक्शन सी उस वेले माता के उधर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी जी। मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन उस अकाल पुरख नाल सी। सारे धर्म मनदे आ कि उस वेले जिहड़ा मनुख हैगा उहदी जिहड़ी परवरिश हो रही है उहदी ग्रोथ हो रही है वह एक सुपर पावर राही हो रही है जिहदे विच कोई कोई भी बचोला नहीं। ठीक जे तेरा उत्थे रिश्ता जिहड़ा एक ऐसी महान शक्ति दे नाल बनिया जिसने एक सैल राही तेरा तेरा सारा कुछ डिजाइन किया और सैल राही तेरी बनतर तेरा सब कुछ बनाया और उत्थे माँ का एक भी रोल नहीं हैगा तो वह तेनू खाण भी दिंदा क्योंकि मनुख जिहड़ा आ माँ की कुख विच कहिंदे कदी रोंदा नहीं हैगा और वह हसदा भी नहीं हैगा जी पर वह समाइल समाइल करता अंदर माँ की कुख च। हुण वेखना है कि वह समाइल क्यों करता है क्योंकि वह शांत है जी। फिर देखना कि शांत क्यों है क्योंकि उसकी डिजायर कोई नहीं जी। जो कुछ उन्होंने चाहिए ऑटोमैटिकली मिल रहा और जिहड़ा दे रहा उत्थे वह सब अकाल पुरख एक महान शक्ति है अदृश्य शक्ति जिन्होंने अकाल शक्ति कहेंगे जिहड़ी कि मनुख के नाल डायरैक्टली देखभाल कर रही है। सो इस करके भाई साहब जे देखा जाए कि जिहड़ी शक्ति तैनू अंदर देखभाल करती आ तेरे जन्म तो बाद भी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारीए। फिर ये भी हैगा कि जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जही करते खेल रचा। ये तो खेड है हुण इहदे विच देखना है कि जे मनुख जिहड़ा है जे उहनू माँ के अंदर नौ महीने उहदी रक्षा की कि वह बाहर नहीं रख्या करेगा। सिर्फ विश्वास की गल आ साडा विश्वास टुट जाता असी फिर होमे विच आके अपने आप नूं रब दी शक्ति तो वखरा कर लैंदे। सो कहण दा मेरा भाव आ कि जे गुरु नानक देव जी ने कहा कि तेरा रब जिहड़ा वह काल तो रहत है बेजाण दा तां तेरी आत्मा भी उस काल तो रहत है। इस करके अज तो लैके विश्वास करके मेरा रब जिहड़ा ना ते मेरे अंदरली शक्ति दे ते वह रब की महान शक्ति दे विच कोई भेद कोई भेद नहीं। राइट वो अगे आंदा जी मूरत मूरत किसनूं कहा गुरु साहिब। हाँ देखो मैं उही दस्सा ये मूर्त अकाल ठीक हर एक चीज़ का फिजिकल स्ट्रक्चर में मूर्त है राइट लेकिन एक ऐसी मूर्त है जिहड़ी के काल तो रहत है बाकी सारिया मूर्तां जिहड़ियां ने वह काल के अंदर आउंदियां। सो इस करके इहनू इस तरह असीं कहने आ कि अकाल ते ओह मूर्त भी ओही असली मूर्त आ जिथों सारिया मूर्तियां बनदियां। बिल्कुल। सो इस करके जितनिया भी मूर्तियां जितने भी क्रीचर हैगे आ जीव जंतु जिन्ने आ इह उस रब दी मूर्ति विचों ही गाह मूर्तां कड़ियां गईयां पर असली मूर्त जिहड़ी आ ओह अकाल ही आ ओह हैगी भी अकाल ओह काल तों परे अजूनी। हाँ जी हुण असीं वेखणा कि फॉर्मलैस वाहिगुरू जिहड़ा है ओह फॉर्मलैस हैगा अजूनी। असी जूना विच आया हो मनुखा नू कई दफा रब कह दिने जी और ये होया हिस्ट्री विच बिल्कुल होया और दावे भी किते कि मैं रब हां और उस थ्योरी ने लोगों नू बड़ा बुद्धू बनाया और हल तक भी बन रहे जी। कई लोग क्लेम करते कि मैं ही रब हां और देखना यह आ कि रब जिहड़ा है वह पैदा हुंदा जूना च आउंदा जे रब जूना च आउंदा ते जून च आउण लई उहनूं मां भी चाहिए प्यो भी चाहिए बिल्कुल तां फिर तुसीं जम्मदे भी हो जम्मण तों बाद वड्डे बुढ़े भी हुंदे हो ते मरदे भी हो तां की जे इस तरह आ के जिहड़ा बंदा आया जिने अपने आप नूं रब डिकलेयर कर दित्ता अकाल कित्थों होया फिर उह अकाल भी नहीं हैगा बिल्कुल ते उह अजूनी भी नहीं हैगा जी उह तां जून च आ गया। ठीक अच्छा हुण जूना च आउण वाले मनुख नूं असीं रब नहीं कहिंदे। अच्छा गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिहड़ा मेरा रब है अकाल पुरख वो एक हस्ती है सॉरी वो एक हस्ती नहीं, नहीं है वो एक शक्ति है शक्ति है हुण थोड़े अंदर भाई साहब जरा मैं तुसी हाँ हर अंदर थोड़ा शरीर जेड़ा ना ये जून च आ गया ठीक लेकिन थोड़ी आत्मा जून च नहीं आई क्योंकि आत्मा थोड़ी जेड़ी ना बिल्कुल इस शरीर नालों वक्री है जी। क्योंकि जिस तरह असीं कहने आ कि हवा पानी अग धरती आकाश पांच जिहड़े तत् हैगे आ द बॉडी इज द इज कंपोज्ड ऑफ फाइव एलीमेंट्स राइट एंड इन दिस कंपोज्ड बॉडी देयर इज अ पावर दैट ड्राइव्स सोल ड्राइव करती है जी। हुण वो सोल जिहड़ी आ वो ना जमी है ना जून च नहीं आई हो जी ना वो मरनी है। इस करके अकाल रब जिहड़ा वाहिगुरु जिहड़ा वो जूना रहत हैगा ते जे जूना रहता
तो मैं उस जून रहत रब की पूजा करा तो मैं भी अपने आप में जूना तो रहत बन सकता। अजूनी सह भंग गुरप्रसाद जिहड़ा इह कॉन्सैप्ट जी इह की कॉन्सैप्ट सह भंग जिहड़ा है जी सह भंग यह है कि सैल्फ एग्जिस्टेंस जी वेखना कई लोग क्वेश्चन करते जे रब सानू बनाता तो रब ने रब न किन बनाया जी हूँ इतने आके लोग कन्फ्यूज हो जाते हूँ रब रब बना आप बनाने वाला कोई नहीं क्योंकि जे उन्हों आप बनाने वाला हो फिर मैं वर्त करा कि रब एक शक्ति है व्यक्ति नहीं है ठीक व्यक्ति हो जरूर कोई बनाता हो पर क्योंकि वह शक्ति है तुम कहो बिजली में कौन बना जी तुम कहो जी ग्रैविटेशन फोर्स इनू कौन बना है ना लेकिन ग्रैविटेशन फोर्स के नाल सृष्टि तो चल रही है बिल्कुल और बिजली के नाल लोग शक्ति का इस्तेमाल करते हैं राइट पर जो तुम कहो भी बिजली बनी किदा तो यू तुम अज तक नहीं समझ सके कि बिजली को किन बनाया बिल्कुल इस तरीके एक मामूली जी गल है कि बिजली को किन बनाया जो तुम नहीं समझ आती तो तुम उस रचनहार जी शक्ति आदि बारे में यही है कि वह सैल्फ एग्जिस्टेंस है राइट जी वो सैल्फ एग्जिस्टेंस आ देखो थोड़ी बॉडी को बनाने वास्ते पांच तत् थे जो कुदरत ने अकाल पुरख ने पैदा किए आसन लोए लोए भंडार जोग छपैसोकार कर कर वेखे सृजन हार नानक सच्चे की साची कर लेकिन आत्मा जी थोड़े अंदर है जी वो भी सह पाऊंगा सैल्फ एग्जिस्टेंस उन्होंने किसी ने नहीं बनाया बिल्कुल ये बारे होर गलबात करने जी छोटी जी ब्रेक तो बाद सो असी गलबात कर रहे थे जी ब्रेक तो पहले भाई साहब ने जो सा गलबात की हैगी कि सह भंग का जोड़ा कॉन्सैप्ट है पर उस गुरप्रसाद की जो अभी गल करते हैं गुरु की कृपा नाल ही असी रब की प्राप्ति कर सकते हैं एक बहुत अगेन यूनीक कॉन्सैप्ट है गुरु कौन है गुरु की क्यों लोड़ है तो क्यों गुरप्रसाद की गुरु की कृपा तो बगैर असी इस रस्ते पर नहीं तुर सकते और इस बारे कुछ गलबात करते हैं जी भाई साहब वेखो गुरप्रसाद के अर्थ लोगों ने गुरु की कृपा कही जी आम तौर पर यही कहा जाता है पर मेरी खोज कुछ डिफरेंट है हो सकता किसी को सहमत हो ना हो मेरा ये अपना अकीदा भी है और प्रैक्टिस भी है जी क्योंकि प्रैक्टिस ना तो पता लगता कि आई एम नॉट द बॉडी बट आई एम द सोल राइट प्रैक्टिस तो पता लगता कि मेरी आत्मा जी है यह जूना च नहीं आई ठीक प्रैक्टिस तो पता लगता कि रब के सारे गुण तेरे अंदर मौजूद आ और प्रैक्टिस तो पता लगता कि गुरप्रसाद है कि गुरप्रसाद के भाई साहब जी अर्थ ये ने जेडे मेरी सोच या खोज में लभे मैं आत्मक ज्ञान पिछों जी वो ये है कि एक पहले तो गल है कि जी मैं थोड़ा अज तक साझ की है मूल मंत्र की जी मूल के अर्थ ने रूट रूट मंत्र के अर्थ ने फार्मूला ठीक हूँ एक ओंकार तो लैके सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भौं तक जी जेडे रब के गुण है वह दसे गए दसे गए और जेड़ा मनुख इन्हों गुणा की धारणा में आ जाता है और इन प्रैक्टिस करता अपने अमरी जीवन में लिया जी और उन्होंने मुताबक चलता और अपने जीवन उस तरह ढाल लेंदा और लोगों वास्ते एक रोल मॉडल बन के संसार में परोपकारी मनुख बन जाता इन्ह गुणों वाला जी और गुरु नानक देव जी वड्डा मिशन से लोगों परोपकारी बनाना ठीक खुद गर्जी तो उपर उठना हूँ खुद गर्जी एक ऐसी बीमारी है जी जिहड़ी के जिहदे विचों एक चीज़ उठ जाती है वह कहड़ी प्यार ठीक जिते खुदगर्जी आ गई उत्थे प्यार टुट गया औरत पति ते पत्नी विच खुदगर्जी आ जाए जी वह शिकारी बन जाते एक दूजे के वो इतों तक इंश्योरेंस वास्ते अपनी औरत नूं मरवा देंदे आ ठीक आप वो औरतां मर्दां नूं मार देंदियां बिल्कुल वो इस विच आ के इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि उन्होंने अंदर रब्बी गुण तक ही इंसानियत वाले गुण भी जोड़े मुक् जाते हैं जी और उस वेले बाबे नानक वेले भी एक गल भाई गुरदास जी ने लिखी है जी अज भी ढुकदी साढ़े उत्ते वो कहिंदे इस्त्री पुरखे दाम हित भावें आए कथाउं जाए जिहड़ा इस्त्री ते पुरख दा रिलेशन बनना सी वो बड़ा एक पवित्र रिश्ता सी पति ते पत्नी दा जी पर भाई गुरदास जी लिखते ने उस वेले दी जो उन्हां दी सर्वे सी कि अज दा इस्त्री पुरख दा रिश्ता भाव के पति पत्नी दा रिश्ता केवल ते केवल दाम दा रह गया धन दा पैसे का जिदे करके उन्होंने रिश्ते जड़े ने वो बहुत जल्दी टुट रहे हैं
और वह गलत रस्ते से तुर रहे हैं। माफ करना अज भी साडा जिहड़ा रिश्ते हुण इस वेले साडे जिहड़े इन्ने तंग दिल हो गए सी कि इस्त्री जिहड़ी वो अपने आदमी ते जाल बिछाई बैठी है, शी डज नॉट ट्रस्ट हर हसबैंड, राइट, और आदमी जिहड़ा हैगा वह अपनी पत्नी ते जाल बिछाई बैठा और दोनों ही शिकारी हो गए। हुण जिहड़े दास दे इह गुण दसे रब दे जिहड़े मूल मंत्र विच जिसने अपना लै जिसने प्रैक्टिस किए वह तो मनुख फिर देवता की वह तो देवता तो भी रब बन गया जी। और असीं कहिंदे आ कि जिहड़ा बंदा रब बन गया ना गुणां नूं धारण करके उत्ते गुरु की कृपा हो गई। ठीक, यह साडा मेरा विचार है कि जिन्हां ते यह गुण प्राप्त होए वह गुरु की बख्शिश उन्हां ते प्राप्त हो गई कि उन्होंने वह अमली जीवन दे विच उसनूं लागू किया जी। हाँ जी, राइट। सो जिस तरह एक एक लफ्ज़ में तुसीं एक्सप्लेन किया जी, हुण जिहड़ा सारा कॉन्सैप्ट है मैं चाहूँगा जिहड़ा समां साडे कोल बाकी है उस विच असीं गलबात कर लईए। हुण अज इह जिहड़ा असीं शब्द मूल मंत्र बार बार पढ़ते हैं रटन करते हैं पर इहदा जो अमली जीवन ते जो असर होना चाहिए सी वह करैक्टर चो रिफलैक्ट नहीं हो रहा, इहदा तुसीं की कारण समझते हो? क्योंकि ये गुरु साहब ने जदों ये सिद्धांत लागू किया उस समय भी ये चीज़ा साढ़े सामने आदि ने, क्योंकि इतिहास में जो भी असी झाती मारते हाँ तो हमेशा ही ये चीज़ा नज़र आई, पर अज कुछ एक वक्रे तरीके असं कहने कि नहीं जी अज तो समाज का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया ये लोग कहते हैं। तुसी भी बड़े लंबे समय तो इतने रह रहे हैं, तुसी देखी ग्रोथ कम्यूनिटी के जो चैलेंजेस आए जो कुछ होया तुसी इसनु किस नज़रिए तो देखते हो जी? वेखो जिहड़े रोग आ ना जी ये तो सारे जदों दुनिया बनी आ ठीक संसार रोगी नाम दारू बैल लागे सच बिना बाबा नानक कहंदे ने, ये एक फार्मूला आ कि सारा संसार रोगी है जी, नाम उसका दारू आ ते मनुख नूं मैल लगती आ नाम की शक्ति तो बिना। ठीक, हुण जितने लोग देखो साडे आले दुआले मन दे अकाल पुरख ने पंज विकार जिहड़े ना पंज शक्तियां जिहड़ियां फिट कीतियां आले दुआले जी, उह सदा ही आले दुआले दी तड़ी काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हां दे कहां होर पोतड़े पुरते ईरखा निंदिया चुगली दवैत भाव जी, ये सारियां साडे अंदर शक्तियां घूमदियां, ये मनुख नूं चकन्ना करन वास्ते घूमदियां जी। हुण इह जदों तुहाडा अंदर कमज़ोर हुंदा जी उस वेले यह सारिया शक्तियां जिहड़ियां बारी बारी हमला करदियां। ठीक, जदों तुहाडा योर माइंड बिकम्स अंडर सीज ऑफ दीज फाइव पावर्स फोर्सेस दैन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ दैट, राइट। हुण मनुख ने अपने मन नूं पिछले 50 साल च खुला छड्ड दिता जी, इहो जिहे प्रचार भी हो रहे कि मौज मेले करो, ठीक, ऐजाशी करो, और तुसी देखोगे कि बाजार दे विच कितनी एजेंसियां हैगियां माया दियां जिहड़ियां मनुख नूं रब की शक्ति तो पाप के आत्मक जीवन तो दूर कर रही हैं, राइट। और लोगों का कितना उन्हां वल ध्यान खिंचा जांदा है मीडिया विच, हुण कदी तुसी रेडियो च सुनो रेडियो च बहुत घट ऐड आएगी कि नाम जपो वंड के छको किरत करो तुसी अमृत स्पान करो, लेकिन उहदे विच तुहानूं ऐड बहुत ही आएगी गाउण बजाउण वाले हनी सिंह वर्गियां दी, और उत्थे ऐड आएगी तुहानूं उहनां लोकां दी जिन्हां दे अपने करैक्टर नहीं, और बार बार आएगी क्योंकि वह भी पैसे कमा रहे हैं, और लोकां दा फिर लोग वह ज़्यादा सुनते हैं जिहदी आवाज़ ज़्यादा ताकतवर हो। सो अज लोड़ हैगी आ मनुखां नूं असीं कसूरवार नहीं गिणदे इन्ना जिन्ना असीं वातावरण नूं गिणदे आ, और वातावरण नूं और वे ऑफ प्रीचिंग नूं ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਪਰ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਪ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਲੱਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੂਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾਓ ਟੀਵੀ 'ਚ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਬਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰੈਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੂਟ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਅਜੂਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਹਿਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਗਜੀਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਨਾ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604-603-7755 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ harpreetsingshow@gmail.com। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ youtube.com/harpreetsingshow 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ।